नमस्कार, मैं हूं शालिनी, आप सभी का स्वागत करती हूं प्रदेश तक में। एमपी के रतलाम से आतंकी कनेक्शन सामने आया है। एनआईए रांची से मिली सूचना पर रतलाम पुलिस और प्रदेश एटीएस ने जिले के अलोट से एक युवक को गिरफ्तार कर एनआईए को सौंपा है। आपको बता दें, युवक के पास से आईएसआईएस के चिन्ह वाला काला झंडा, मोबाइल, कई तरह की सिम एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त हुई है। एसपी राहुल लोढ़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि एनआईए रांची द्वारा अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त आईएसआईएस से कनेक्शन वाले फैजान अंसारी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। फैजान से पूछताछ में उसके संपर्क में रतलाम जिले के राहुल पिता बाबूलाल सेन के बारे में बताया। सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों के कनेक्शन मिलने पर एनआईए रांची ने रतलाम पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद एनआईए के अधिकारी रतलाम पहुंचे हैं। गुरुवार सुबह एसपी राहुल कुमार लोढ़ा और एएसपी राकेश कुमार खाका के मार्गदर्शन में एनआईए, एमपीएटीएस और रतलाम पुलिस की संयुक्त टीम का गठन कर कार्रवाई की गई है। टीम ने आलोट थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरी देवड़ा में दबिश देकर संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए राहुल सेन के पास से कुछ सिम कार्ड्स, एक काला कपड़ा, कागज की पर्ची, चाकू मिला है। आपको बता दें, राहुल खजूरी देवड़ा गांव में मजदूरी का काम करता है। उसने इंस्टाग्राम पर एक से ज्यादा आईडी बना रखी है। वह राहुल सनातनी व उमर के नाम से भी इंस्टाग्राम आईडी चलाता है। इस पर वह हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करता था। राहुल के पिता आलोट में सैलून चलाते हैं। एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने जो बताया उसके अनुसार आरोपी को 2014 में आईएसआईएस के बारे में पता चला था। इसके बाद उसने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। उसी के चलते बाद में वह रांची में पकड़ाए गए फैजान के संपर्क में आया। अब एनआईए की टीम युवक से पूछताछ कर अन्य जानकारी हासिल करेगी। एएसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि रतलाम पुलिस भी आरोपी युवक के बारे में अपने स्तर पर जांच कर रही है। देश विरोधी गतिविधि में उसके संपर्क में कोई और तो शामिल नहीं है। इसी के साथ इस मुद्दे की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए प्रदेश तक। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।